इस शहर में कुत्तों का नहीं, बंदरों का नहीं, सांडों का नहीं, बल्कि एक ऐसे पशु का आतंक है जिसका इस्तेमाल रेस लगाने में किया जाता है। उसका नाम बताने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर बताएंगे आखिर कहां और कैसे इस पशु ने आतंक मचा रखा है। देखिए, ये वीडियो मुरादाबाद के मझोला इलाके की पौश कॉलोनी की है, जहां इन दिनों आदमखोर घोड़ों का आतंक है। जी हां, यहां पर घोड़े इतने आदमखोर हो गए हैं कि कई लोगों पर अब तक जानलेवा हमला भी कर चुके हैं, और इनके खौफ के चलते ही अब गलियों में सन्नाटा भी पसरा रहता है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि सच में घोड़ा इतना आदमखोर भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखा तो सबके होश उड़ गए, बल्कि लोगों में ऐसा खौफ आया कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर डाला। चलिए अब आप भी इस वीडियो को खुद भी देखिए, कैसे घोड़ा इस शख्स को पटक रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स घोड़े को अपने घर के सामने से भगा रहा था, तभी इस घोड़े ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, बल्कि इस शख्स को पैरों से घोड़े ने कुचलने की भी कोशिश की। हालांकि शोर की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर आए तो घोड़ा भी मौके से भाग गया। हैरानी की बात तो यह है कि शहर में घोड़ों का आतंक है, आदमखोर घोड़े ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान तो नहीं दे रहा है। तो तीन घोड़े आए तो दो घोड़े तो आगे निकले गए, पीछे वाले घोड़े ने एकदम अटैक कर दिया हमारे ऊपर, वहाँ पकड़ के काट लिया, नीचे गिरा लिया, नीचे गिरा के आगे पैरों से भी खूंदा, फिर बैक हो गए, फिर पीछे वाले पैर भी मारे उसने। जब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए चिल्लाने, जब भागे गया, और अंगड़ी पांडे जी, उन्होंने फोन भी किया था आयुक्त को साथ में, तो बोले अच्छा मैं पकड़ा पाऊंगा, देखूंगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। घोड़ों के हमलों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोग भी टेंशन में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि आखिर घोड़े इतना आदमखोर कब से हो गए हैं। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं, और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।